कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट। लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मैंने अभी तक 16 एग्जाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्जाम निकाले हैं। 16 एग्जाम में 11 आपका सीजी का एग्जाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। दो बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन फिफ्थ रैंक आया था रिटर्न एग्जाम में, सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट फिफ्थ रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला क्या सिलेबस देखेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक। दूसरा स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम निकालने के लिए। देखो, हर एक मिशन का स्ट्रेटजी होना, रणनीति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, कैसे तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बुक लिस्ट के बारे में भी, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, इस ये सवाल तो लोग पूछ के परेशान कर देते, तो मैं बोला एक वीडियो ही बना देता हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए भी वही बुक रहेगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूंगा कि क्या क्या बुक आपको खरीदने चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देखो, व्यापम ने अभी जारी किया है, ठीक है, व्यापम ने जो जारी किया नोटिफिकेशन, उसके आधार पे बता रहा हूँ, और कहीं किसी वेबसाइट से आप नहीं देखेगा सिलेबस। 35 क्वेश्चन रहेंगे किसके, इंडियन जीएस के। हर एक क्वेश्चन कितना तीन मार्क्स का। सर क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कैसे बोल रहे हो, व्यापम ने ये मेंशन कर दिया है कि ऋणात्मक अंक नहीं रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूरा 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। कितने घंटे के पेपर, 2 घंटे के पेपर, ठीक है। 35 क्वेश्चन मतलब 105 मार्क्स। तो मैं यहाँ पे मार्क्स तो नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चंस, ठीक है। इंडियन जीके कितने, 35 क्वेश्चन रहेंगे। छत्तीसगढ़ का कितना क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ का कितना, 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ्स हो गया आपका 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, ठीक है, गणित और रीजनिंग ये 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। आपका हिंदी भी कितना है, 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर और इंग्लिश ये है 5-5 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हुए, टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हुए। 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा 100 का 100 मार्क आना, छोड़ने से क्या मतलब, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है, क्लियर। दूसरा चीज़ देखते हम, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। 70-72 हज़ार लोगों ने अभी एक एग्ज़ाम दिलाएंगे, उसमें मुझे नहीं लगता हर कोई एग्ज़ाम में पहुंचता है, ऐसे ही रहता है। 60-70% लोग ही एग्ज़ाम दिलाने पहुंचते हैं, जो सीरियस लोग रहते हैं वही एग्ज़ाम दिलाने पहुंचते हैं। तो मैं अगर उम्मीद कर रहा हूं कि 50-60 हज़ार लोग भी पहुंचे ना, उसमें 19-20 हज़ार लोग का सिलेक्शन होना है प्री के लिए। तो प्री निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है। सर मैं तो इससे पहले पढ़ा नहीं, मेरे से पहले बहुत लोग पढ़े हैं। प्री जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना है आपको। तो जो 300 में 300 ला के भी क्वालिफाई कर रहा है, और कोई कट ऑफ सपोज 60% कट ऑफ जाता है, मतलब 180 कट ऑफ जा रहा है, 180 मार्क्स, वो भी 180 मार्क्स ला के क्वालिफाई कर रहा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर आएगा किस में, मेंस में आएगा। तो यहाँ सर मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ABCD नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्ट करो, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे पढ़ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जरूरी होती है,
300 में 300 लाके सिलेक्शन नहीं होता, 300 में 300 लाके टॉप भी नहीं होगा, तो आपको कट ऑफ तक पहुंचना एनी हो ये 30 दिन में आराम से हो जाएगा। 30 दिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज आपका 3 तारीख है, ठीक है, 3 तारीख 6 नवंबर को आपको पेपर होना है, 30 दिन आराम से है। मैं 30 डेज स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सर ये वीडियोज मेरे तक पहुँचते इतने दिन निकल गए, 10-12 दिन मेरे पास 20 दिन बस बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेटेजी पे चर्चा करने से पहले मैं कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए मेरा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, शुरुआत में अनुज सर आए थे, सरों को आए थे जो बताया ना, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से मेरा एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, वो तुरंत डाउनलोड करिए। सर इससे हमारा क्या फायदा बेटा, आप ही का फायदा है, इसे डाउनलोड करने से मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते हैं ना, आपके पैसे कटते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन क्या करना है, डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ मैं SI का कोर्स लॉन्च किया हूँ, क्रैश कोर्स, ठीक है, SI का कोर्स लॉन्च किया हूँ, क्रैश कोर्स, वो 6 नवंबर तक वैलिड रहेगा, जब आपका एग्जाम होना है ना 6 नवंबर तक वैलिड रहेगी। सर हम 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तो कभी भी वीडियो ज्वाइन करोगे सारे वीडियोस कैसे मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्ड कर करके मैं उसमें डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। SI सब इंस्पेक्टर क्रैश कोर्स है। सर फीस क्या है, 999 रुपये, मात्र 999, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। सर फ्री में करा देते, YouTube में करा देते, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, जब मैं फ्री में डालता था YouTube में कोई देखता नहीं था, अब पेड वाले में देखते हैं, तो 999 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। कैसे कोर्स परचेस करना है वो मैं 2 मिनट बाद के वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कैसे कोर्स परचेस करना है। 999 रुपये ये कोर्स परचेस कर लेते हो, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसका टेंशन छोड़ देना, जो वीडियोज में कवर करा उतना पढ़ लेना। सर PDF नोट्स, बुक लिस्ट, तो जो मैं PDF नोट्स स्टडी मटेरियल में डाला हुआ हूँ वो उतना आपका कवर हो जाएगा, उतना पढ़ लेना, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्री के लिए उतना काफी रहेगा। सर पक्का? हाँ पक्का, ठीक है। ये इसके बाहर आप कैसे कोर्स खरीदना वो वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ देखो टेस्ट सीरीज भी है, जरूरी नहीं आप पढ़ लिया आपको लगता है बहुत अच्छे से याद हो गया, टेस्ट सीरीज जब तक नहीं दिलाओगे तब तक आपका आप जज नहीं कर पाओगे, तो टेस्ट सीरीज भी दिलाना जरूरी है। 10 फुल लेंथ टेस्ट भी है अवेलेबल, कितने 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब होता है जो एग्जाम में आने का है ना, सेम टू सेम वैसे ही आपका यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जिसमें एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फ्री भी है, आप दिला सकते हो। आप अगर पूरा 10 का 10 लेना है तो उसके लिए पे करना पड़ेगा 499 रुपये, वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक टेस्ट सीरीज फ्री है, कौन सा टेस्ट सीरीज लेना, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नंबर 2 दूसरे नंबर का है, उसको दिलाना, वो पूरा व्यापम पैटर्न का, वो बेस्ट है, मैंने क्वेश्चन अच्छे लेवल के सेलेक्ट किए हैं 2nd वाले नंबर पे, उसको दिलाइएगा आप, ठीक है। 2nd वाले को फ्री रखा है, उसको जाके दिलाना, आप जज कर पाओगे कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी दिलाना जरूरी है। वीडियोस और कोर्स ये कैसे परचेस करना है ये मैंने बता दिया, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, लाइव नहीं कि मैं कोई टाइम पे आया। सर किस, कई लोग पूछते किस टाइम पे क्लासेस चलेंगी, शाम को सुबह को, ये आप जिस टाइम ओपन करके देख लो उस टाइम, रात को 12 बजे देखना चाहते हो रात को 12 बजे देख सकते हो। सर एक वीडियोस को एक ही बार देख पाएंगे क्या, नहीं कई बार देख सकते हैं। सर एक बार कोर्स परचेस किया और पूरे भाई बहन खानदान देख पाएंगे क्या, नहीं, दोस्त यार देख पाएंगे क्या, नहीं, एक पर्सन एक ही बार वीडियो देख पाएगा, वही जिस मुंबई में लॉगिन होगा उसी नंबर पे देख पाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। तो वीडियोस कैसे देखना है वो बता देता हूँ। देखिए वीडियोस कैसे परचेस करना है आपको, ये योगेंद्र साहू क्लासेस गूगल प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से ये मेरा ओपन दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये ओपन किए, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ये देखिए ये होम पेज आएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज है, फुल CG बाबा में कोर्स भी खरीद सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना है स्टोर सेक्शन में, कहाँ पे, स्टोर सेक्शन में जाना है। जो खुद गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम चलाते होंगे ना उनके लिए है, और जो नहीं चलाते होंगे तो मेरे नंबर पर 8770123687 इस नंबर पर भी डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हो, ठीक। यहाँ पे देखो सब इंस्पेक्टर क्रैश कोर्स जुड़ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करना, ठीक। ये बाय नाउ दिखा रहा है, इसको परचेस करना, देखो 2000 रुपये का है बट डिस्काउंट करके 999 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। इसको जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये यहाँ पे आपको ईमेल डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा। ईमेल जैसे ये डाल दिए उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, ईमेल जैसे डालने के बाद क्या करना है आपको, प्रोसीड करना है, ठीक है। ईमेल जब डालोगे प्रोसीड करोगे फिर यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन से आप गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। परचेस करने के बाद मेरे नंबर पे अपडेट जरूर कर दीजिए या कॉल करके जरूर बता दीजिएगा, तो आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ देखो टेस्ट सीरीज़ भी
अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी जरूर खरीदेगा क्योंकि आपको चेक करना है, उसके लिए कंजूसी नहीं, क्योंकि ये एग्जाम के आपके भविष्य का सवाल रहता है जॉब, तो 400-500 के लिए उतना नहीं सोचना। सब इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज, इसमें आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, एग्जाम का आइडिया हो जाएगा कैसे आपको फेस करना है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 100 क्वेश्चन बनाने हैं, देखो इसी में मैं कट ऑफ की भी बात कर रहा हूँ, एक व्यापम पेपर ले रहे हैं और जिस लेवल का पूछता है उस लेवल का पूछा ना, तो कट ऑफ कितना जाएगा, 60। एकदम थोड़ा इजी कर दिया, थोड़ा नॉर्मल लेवल का रहा 60 और एकदम ज़्यादा इजी कर दिया 70। आप 70 स्कोर कर लोगे सेफ जोन में रहोगे, 70 मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कम बोल दूंगा और उतना ही मेहनत किए नहीं हुआ गाली मेरे को दोगे। इसलिए 60 से 70 के बीच एकदम सेफ जोन रहेगा, आपका सेफ जोन रहेगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल रहा तो। कट ऑफ जो है वो पेपर के लेवल के ऊपर डिसाइड करता है, पोस्ट के ऊपर डिसाइड करता है, पोस्ट की कोई कमी नहीं है और लेवल वो व्यापम डिसाइड करेगा, लेकिन नॉर्मल लेवल का पूछता है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। 60 से 70 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 60 से 70 क्वेश्चन सही करने होंगे। मतलब मार्क्स कितने सर, 3 से गुना कर लो, क्या दिक्कत, 60 × 3 = 180, 70 × 3 = 210, उसके बीच रहेगा तो एकदम आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो देखो 100 में 100 क्वेश्चन आपके सही होने की जरूरत नहीं है, तो 30 दिन भी बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 15 दिन भी बचे हैं ना, तो भी मैं बोल सकता हूँ, 10 दिन बचे तो भी बोल सकता हूँ कि आप निकाल सकते हो, क्या कैसे मैं बोलूंगा। देखो छत्तीसगढ़ जो है ना 25 क्वेश्चन है, इसमें कुछ मत छोड़ना, सब कर लेना। और जो मैं वीडियोस डाला हूँ जो कोर्स खरीदे हुए हैं वो तो ये बेटा छत्तीसगढ़ को छोड़ना ही नहीं, सर इसमें क्या छोड़े, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना आपको, है ना। छत्तीसगढ़ में चलो इंडियन जीएस में क्या छोड़ना है वो पूछ रहे तो चल जाता है, छत्तीसगढ़ में क्या छोड़ना है, इसमें भी कुछ छोड़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं छोड़ना है, 25 का 25 यहाँ पे आपको स्कोर करना है, कम से कम 25 में आप 20 स्कोर कर लोगे बेटर है। इंडियन जीएस में मैं बोलूँगा सबसे पहले हिस्ट्री को टारगेट करिएगा, किसको, हिस्ट्री को, और दूसरा पॉलिटी को, संविधान को, क्योंकि व्यापम के दोनों फेवरेट हैं, दोनों सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, किसके, हिस्ट्री के और पॉलिटी के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको करना है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लेता है ये, हिस्ट्री पॉलिटी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप बाकी फोकस मत करो, हिस्ट्री पॉलिटी पे पहले फोकस करो, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास टाइम कम है, जो सब चीज़ पढ़ लिए हैं वो तो सभी पढ़ो, जिनके पास पढ़ने के लिए कुछ रह नहीं गया तो सारी चीज़ करो, लेकिन अभी आप कुछ नहीं पढ़े हो तब की बात बता रहा हूँ, प्राथमिकता हिस्ट्री पॉलिटी को देना, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी को, है ना, हिस्ट्री और पॉलिटी में पूरा पढ़ लेना, बट ज्योग्राफी में पर्वत पहाड़ नदी, ठीक है, और भौगोलिक जो स्थिति रहती है भारत की उसको फोकस कर लेना। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान रहता है तो स्टैटिक पोर्शन पे मत फोकस करना, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स का जो है करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर वाला पार्ट जो है मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, फ्री रहेगा वो करंट अफेयर्स वाला, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लोड कर सकते हो, मैं करंट अफेयर्स को डाल दूंगा, फ्री रहेंगे सबके लिए, एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ठीक। तो करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना, सर करंट अफेयर्स तो कहीं दिया ही नहीं है पूछेगा करके, बेटा वो करंट अफेयर्स ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वाले शामिल रहेगा, इंडियन का करंट अफेयर इंडियन जीएस में शामिल रहेगा, तो जो कराऊंगा जितना कराऊंगा वो कर लेना, इसमें मेहनत कम लगता है मार्क्स ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। सर इंग्लिश का है 5 मार्क्स तो उसको करे क्या, मैं बोलूँगा देखो मित्र इंग्लिश है कंप्यूटर है दोनों 5-5 मार्क्स के हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हो ना मैं बोलूँगा इंग्लिश मत करो प्री के लिए, जब आप कुछ नहीं पढ़े हो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो इंग्लिश को मत देखो, क्यों, 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को कवर करते करते ये पूरा महीना बीत जाएगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 5 में 5 आप लाना मुश्किल होगा। वो ये कंप्यूटर 5 क्वेश्चन है, इसको हल्के में लेना ना, क्यों, ये 2 दिन में आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसको जरूर पढ़ो, इंग्लिश मत पढ़ो क्योंकि 2 दिन वाला है नहीं टाइम, तो जिसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और मार्क्स भी कम मिल रहा है और चांसेस भी नहीं है सही हो जाए, उसको काहे करना, इसको ध्यान हटा दो, लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ प्री की, तो कंप्यूटर पे 5 क्वेश्चन जरूर फोकस करना, ठीक है। सर हमारा मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है, हिंदी चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, हिंदी तो करना ही है, 10 क्वेश्चन है हिंदी तो करना ही है, नो डाउट उसको करना है। जिसका मैथ्स रीजनिंग वीक है उसकी बात बता रहा हूँ मैं, जिसकी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है तो बेटा ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रांग है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर वीक है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्यों, मैं बोला 100 में 100 मार्क्स ला के टॉप नहीं किया जाता, 100 में 100 ला के सिलेक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो सर क्या छोड़ दें, नहीं बेटा ऐसा तो भी नहीं बोला मैंने, तो मैथ्स में क्या करना है, जिसका मैथ्स रीजनिंग वीक है, मैथ्स रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग थोड़ा सा ईजी ही पड़ता है मैथ्स से, वो कवर कर लेना, और मैथ्स आपको डिफिकल्ट जा रहा है ना, पूरा 20 का 20 टॉपिक अगर होता है तो 20 का 20 टॉपिक मत पढ़ो ना, कुछ चैप्टर्स को कवर कर लो, जैसे मैं बता रहा हूँ 7-8 चैप्टर्स बता रहा हूँ, अब ये उसके सिलेबस में दिए हों मत दिए हों
उस पे बहस मत करना, क्योंकि व्यापम बेटा जो मैथ्स मतलब कंप्लीट मैथ्स पूछ देता है उसमें जो भी दिया हो, ठीक है। तो लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, क्या प्रॉफिट लॉस, एवरेज औसत, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एवरेज औसत ये जरूर करना, परसेंटेज प्रतिशत इसके क्वेश्चन जरूर करना, एज आयु के इसके क्वेश्चन जरूर करना, रेशियो अनुपात वाले इस चैप्टर को जरूर करना, एसआई और सीआई ये दोनों एक साथ मिक्स हैं इसको जरूर करना, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम मतलब चाल दूरी चाल समय ये, और इसी में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन आता है, रफ्तार गाड़ी जो रेलगाड़ी पे है ना, तो वो स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंतर्गत ही समझ लो वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क ये जरूर कर लेना, ठीक है। टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, ये सारे चैप्टर्स। तो बचा क्या सर, सब तो बता दिया। अरे बेटा इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया, मैं उनके बोल रहा हूँ जो मैथ्स जिनका कमज़ोर है ना, इन चैप्टर्स पे विशेष फोकस कर लो। 20 का 20 करना आसान नहीं है, लेकिन ये 5 के 5 को करना बहुत आसान है, समझ लो 20 चैप्टर में से 5-7-8 5-6-7 टॉपिक है, इसको तो कर ही लो आप, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। धीरू भाई अंबानी बोलते थे ना, एक आदमी से 10,000 रुपये कमाना मुश्किल है, लेकिन 10,000 आदमी से 1-1 रुपये कमाना बहुत आसान है। बस वैसे ही 20 का 20 करना मुश्किल है, लेकिन 5 तो मुश्किल नहीं जाएगा। मानता हूँ आपको मैथ्स नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते जाना, रट लेना। कौन पूछेगा कि आप समझ के बनाओ कि रट के बनाओ, 4-5 स्टेप रहते हैं, बार बार उसी क्वेश्चन को बनाओगे ना 3-4 बार तो हर एक चीज़ रटा जाता है, ठीक है। तो सर आप रटने बोल रहे हो समझने, हाँ ना, मार्क्स गेन करना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनर तो पूछेगा नहीं कि समझ के बनाओ कि कैसे बनाओ, तो जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, मेरे अनुभव के आधार पे, ठीक है। और ये सारी थी स्ट्रेटजीज, मैंने बता दिया क्या क्या टॉपिक पढ़ना, छत्तीसगढ़ मत छोड़ना, आपका मेंस में भी वो काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एज कम्पेयर टू इंडियन जीएस कम समय लेता है, मार्क्स ज़्यादा देता है। इंडियन जीएस में भी हिस्ट्री पॉलिटी और क्या क्या पढ़ना है तो वो वीडियोज़ में तो कवर है ही, ठीक। बुक लिस्ट के बारे में जल्दी फटाक से चर्चा कर लेते हैं, जो देखो बुक लिस्ट बता रहा हूँ, जो कोर्स परचेज किया हुआ है उसको खरीदने की जरूरत नहीं, पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। बुक लिस्ट, बुक लिस्ट उन लोगों के लिए है जो कोर्स नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ बुक लिस्ट, अच्छा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो डिस्प्ले में दिखा ही होगा, वहाँ पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं ना, ठीक है। बुक लिस्ट इंडियन जीएस के लिए लूसेंट की किताब, कौन सी लूसेंट की किताब रहना चाहिए, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों, और घटना चक्र ले लेना इतिहास और संविधान का, ठीक है। कंप्यूटर के लिए हरिराम पटेल के ले लेना एक, सर परीक्षा मंथन लिया हो ठीक है ना, है तो अच्छी बात है, और जो नहीं लिया है तो उसके बारे में बता रहा हूँ, परीक्षा मंथन भी अच्छा है, हरिराम पटेल भी ले सकते हो आप, ठीक। बाकी इंग्लिश के लिए परफेक्ट इंग्लिश, लेकिन वो पढ़ने में कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, परफेक्ट इंग्लिश। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल की भी ले सकते हो, रीजनिंग के लिए आप परफेक्ट रीजनिंग लेना, रीजनिंग के लिए क्या लोगे, परफेक्ट रीजनिंग की किताब लेना। मैथ्स के लिए एच डी यादव या आर एस अग्रवाल दोनों में से कोई एक प्रीफर कर लेना, ठीक है। लेकिन बोल रहा हूँ जो कोर्स खरीदा वो उधर ध्यान नहीं दोगे तो बेहतर है, पहले मेरे पी डी एफ नोट्स को पढ़ लेना, उसके बाद बुक लिस्ट पे ध्यान देना, ठीक है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, वो सारे किसके ले सकते हो आप, हरिराम पटेल सर के, ठीक। सर बार बार हर वीडियो में हरिराम पटेल की बात करते हो, पैसे मिलते हैं क्या, एक बच्चा बोल रहा था नहीं मिलता भाई, वो कहाँ हम कहाँ, ठीक है। तो जो किताब अच्छी जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है वो देखो, कोई किताब अच्छी है बुरी नहीं होती, वो किताब हमारे लिए अच्छी है जिसका प्रेजेंटेशन हमको अच्छा लग जाए, इसका प्रेजेंटेशन हमको अच्छा लग जाए, जो आसान भाषा में दिया हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है हरिराम पटेल सर का, तो इस कारण ये किताब को मैं प्रीफर करने बोलता हूँ, ठीक। तो ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, किसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर है ना, स्ट्रेटेजी के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते होंगे, जो शुभचिंतक हैं आलोचक वाले, देखो पहले ही कमेंट नीचे आते हैं, ठीक है। तो आलोचक हैं उन लोग जिनको काम धंधा नहीं है, जिनके पास पोकर फालतू बुद्धिहीन व्यक्ति, अभी कमेंट सेक्शन में आप देख ले सकते हो, लेकिन जो मेरे समर्थक हैं जो चाहते हैं वो वीडियोज़ को जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। आप लोगों के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी आप लोगों के बदौलत ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्तान
इंग्लिश में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरी छोड़ के भविष्य भर पूरी तरह समर्पित थी। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो साहू या